नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक राइस की खेती के बारे में, यानी कि काले चावल की खेती के बारे में। सफेद धान की खेती तो दुनिया भर में होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो काले चावल की खेती करते हैं, और इसके पीछे के सारे कारण क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसकी कई किस्में हैं ब्लैक राइस की, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो किस्म मुझे लगी वो है जैपनीज ब्लैक 22। 140 से 150 दिन की वैरायटी है, इतने में हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर बीमारियां कम आती हैं। अब रही बात कि इसकी खेती की कैसे जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे सफ़ेद धान की खेती होती है, वैसे ही इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, वैसे इसकी रोपाई की जाती है, वैसे इसके अंदर पानी रोका जाता है। बस फर्क इतना है कि सफ़ेद धान के अंदर हमें रसायनों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पर वो नहीं करना पड़ता। यहाँ पर केवल मात्र बर्मी कंपोज और जीवामृत और नीमखली पाउडर का ही इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा करें तो नीम तेल का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। यानी कि ब्लैक राइस टोटली जो है ऑर्गेनिक तरीके से आप करेंगे तो ही हो पाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं डालने। अब रही बात कि आपकी इसकी बुआई के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले जो भी वैरायटी अच्छी लगी उसका बीज ले लीजिए। बीज लेने के बाद 5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए बेस्ट रहेगा, उसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, फिर उसे आप जो प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन करने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें डालते रहिए, जिस दिन फसल आएगी उस दिन उसकी कटाई कर लीजिए, और उसके बाद में उसे सुखा कर और पैकेटों में, छोटे पैकेटों में बंद करके उसको बेच दीजिए। अब होगा कितना, तो जो सफ़ेद वाला धान है ये तो 26, 27, 28, 30 क्विंटल तक हो जाता है प्रति एकड़, लेकिन जो ब्लैक राइस है ये 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होता है, और इसमें फर्क ये है कि रेट बहुत अच्छा होता है इसका। आज अगर आप अभी मंगवाएंगे, अमेजोन से अगर मंगवाएंगे, तो भी आपको 1 किलो, ये 500 ग्राम का पैकेट है, 125 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो कितने का हुआ, 250 का हुआ। तो ये तो चलो पैकेट में बंद करके एकदम ग्रेडिंग वगैरह करके प्रोसेस होने के बाद इतना महंगा बिक रहा है, अन्यथा ये लगभग 150 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में किसानों से खरीदा जाता है। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरे वाला धान है वो 3,000-4,000 मुश्किल से बिक पाता है, बहुत अच्छा हो और वो भी बासमती वगैरह हो वो बिकता है, लेकिन ब्लैक राइस जो है ये आपका लगभग 15,000, 10 से 15,000 के बीच में प्रति क्विंटल बिक जाता है। और अगर आप इसे बेचने के पर्पस में आपको दिक्कत आए मार्केटिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपोर्टर से बात कीजिए, वो लोग जो स्पेशल डाइट तैयार करके देते हैं लोगों को उनसे बात कीजिए, क्योंकि ब्लैक राइस के अंदर आयरन की मात्रा अच्छी होती है, इसके अंदर जिंक की मात्रा अच्छी होती है। शुगर वाले मरीज भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में शुगर होता है। तो आप लोग थोड़ा मार्केटिंग को एडजस्ट कर लीजिए, बाकी ये आपको अच्छी इनकम देगा। अब रही बात कि जो किसान इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए वो क्या करें, तो उनको मेरी एडवाइस है, आपके पास खेत है थोड़े से एरिया में आप जरूर बोएं, बेचे नहीं, कम से कम घर पर खाने के लिए जरूर बोएं, क्योंकि आपकी सेहत को ये बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए एबीसी इंडिया।